तो आशीष जी, अभी आप हम डिस्कस कर रहे थे एक बहुत ही अच्छी चीज समाज के लिए, सामाजिक रूप से, कि आजकल जो देखा है कोरोना के बाद हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका, कि जो सजेशन था आपको, आप सभी को बताओ ताकि सभी लोगों को पता लगे कि हम कैसे कैसे किसी की जान बचा सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया कि भगवान ही जान बचा सकते हैं, भगवान ही जीवन देते हैं और भगवान ही रक्षा करते हैं, लेकिन हम भी भगवान बन सकते हैं अगर हम किसी की जान बचा सके। तो कैसे, कोई सजेशन है आपके माइंड में, कैसे हम जान बचा सकते हैं? और सबको आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, क्या पॉइंट है आपके, बताओ जरा। जी पहले तो सभी को नमस्कार। मैं जैसे हमने आज चाचा जी से डिस्कस कर रहा था हार्ट अटैक के केसेस के रिगार्डिंग, तो इसमें जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है। पूरी पब्लिक में मैसेज फैलाना चाहिए, ये जाना चाहिए कि भाई हार्ट अटैक के जब केस हो तो उस केसेस में सबसे पहले क्या हम कर सकते हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल इंसान को पता होनी चाहिए, जैसे कि CPR हो गया, कैसे हार्ट पे प्रेशर देना है, और कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जो इन हैंड यूज हो सकती है इस केस में, तो हम उसमें एक लाइफ सेव कर सकते हैं जब ऐसी सिचुएशन आए ऐसे केसेस में। जैसे आप बता रहे थे कि ट्रेनिंग, आप जैसे बहुत से लोग प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, बहुत से लोग गवर्नमेंट फर्म में काम करते हैं, आंगनवाड़ी की आप बात कर रहे थे, तो प्राइवेट फर्म में कैसे ट्रेनिंग का प्रोविजन किया जाए? इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि प्राइवेट फर्म्स हो गए, गवर्नमेंट एंटिटीज हो गए, एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस चल रही है, तो उसी तरह हम एक हार्ट से रिलेटेड केसेस के लिए एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, जागरूकता फैलानी चाहिए जैसे ताकि। प्राइवेट फर्म में हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर हाँ दें, जी जैसे बाहर से डॉक्टर आए, हाँ और जी प्राइवेट कंपनी में, हर कंपनी में जो गवर्नमेंट के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव, वो आकर के ट्रेनिंग दे प्राइवेट जो भी लेबर है, लेबर क्लास से लेकर के, और जितने भी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। आप बता रहे थे कि भाई ऐसे ये जरूरी नहीं है कि भाई कंपनी में किसी को हार्ट अटैक आए, हो सकता है कि आप कंपनी से बाहर आ रहे हो, आप ऑफिस से घर आ रहे हो, रास्ते में कोई बंदा ऐसा हो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम पड़ी हो, रोड के ऊपर पड़ा बेचारा, हाँ किसी जी की कोई है, उसकी कोई हेल्प करने वाला ना हो, तो उसकी भी जान बचा सकते हैं। बिल्कुल। आप बता रहे हैं। इसमें हाँ। इसमें अगर एक इंसान को ट्रेनिंग मिली हुई होगी, फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट कंपनीज में उसको ट्रेनिंग मिली होगी अच्छे से कि वो कैसे हेल्प कर सकता है, तो जरूरी नहीं है वो कंपनी के अंदर ही किसी की मदद करे। कभी वो मान लो सड़क पे आ रहा है और उसको वहां कोई ऐसा केस होता दिख जाए, तो बजाय किसी भगदड़ के या फिर कुछ ना समझ में आए तो उसको पता रहेगा कि कैसे उसकी मदद कर सकता है। बिल्कुल, जैसे ये जरूरी हाँ नहीं है कि भाई रोड पे, हो सकता है किसी फंक्शन में, आजकल देखा डांस करते करते लोग गिर रहे हैं, हाँ एक्सपायर हो जी रहे हैं हार्ट की वजह से, तो कहीं भी वो किसी की हेल्प कर सकता है अगर ट्रेन बंदा होगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई होगी। एक आप बता रहे थे आंगनवाड़ी की जो महिलाएं होती हैं, हाँ जी महीने में एक दिन ऐसा कोई मतलब दिन रख दे, नहीं बिल्कुल। आप? तो मैं एक ये और सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपने गांव में भी हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए इसके रिगार्डिंग, तो वो भी गांव में घर घर जाके उनको लोगों को अवेयर कर सकती है इसके बारे में, उनको और अच्छे से जागरूक कर सकती है कि आप कैसे मदद कर सकते हैं वो, बिल्कुल। तो गांव से भी ऐसी मदद कर सकते हैं हम, पब्लिक को पता चलेगा तो और अच्छे से सबको ज्ञान मिलेगा इसके हाँ भाई, रिगार्डिंग। ऐसा है ना, आंगनवाड़ी की लेडीज हैं, हाँ अब आप जी एक बार सोचो ना, इलेक्शन के दौरान घर घर जाकर के लोग दीवारों को खराब करते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं, बिल्कुल गाड़ियों गाड़ियों को खराब करते हैं, गाड़ियों पे पोस्टर चिपकाते हैं, तो जब हम अपने मकसद के लिए इतना हेल्प, इतना मतलब एफर्ट कर सकते हैं, तो ये तो एक सामाजिक कार्य है। इसमें आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं वो भी हेल्प कर सकती है ना, हाँ जैसे जी घर घर जाकर, नहीं नहीं तो एक चौपाड़ पे या कहीं नुक्कड़ पे एक जगह एक इकट्ठा कर लिया जाए लोगों को, और वहां उनको वो जो टेक्निक है CPR की कहो या जो भी है, वो हम उनको ट्रेनिंग दे, गांव वालों को, बच्चों, सभी को, हाँ जी जितने लोग जागरूक रहेंगे उतनी जानें बचाई जा सकती हैं। भला इंसान भी भगवान बन सकता है, भगवान बिल्कुल के बन सकता बाद है। किसी की लाइफ बचा करके, क्योंकि ऑफिस जाने के बाद पूरा परिवार जो उसका इंतजार करता है कि भाई अब वो आएगा, खुशी आएंगी, बच्चे इंतजार करते हैं, पापा चॉकलेट लेके आएंगे, हाँ जी
तो ऐसे मतलब हम कितनी खुशियां, कितनी गिफ्ट दे सकते हैं किसी दूसरे इंसान को, दूसरी फैमिली को, किसी की जान बचा करके। ये है आशीष कौशिक, प्राइवेट फर्म में ये लगे हुए हैं और इनके दिमाग में बहुत अच्छा पॉइंट आया, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया इनका, कि इनके जो पॉइंट है, इनके जो समाज के प्रति जागरूकता है उसको दिखाया जाए। थैंक्स अ लॉट आशीष। थैंक यू जी, नमस्कार।